बुलंदशहर से रीशु कुमार की रिपोर्ट। सांसद के द्वारा गोधनी गांव में नहीं किया गया कोई विकास कार्य। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को बीजेपी सांसद व ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर लगा रहे पलीता। आप यह जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह यूपी के जनपद बुलंदशहर की डिबाई ब्लॉक के गांव भोपतपुर की है। जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलाया था और अपनी पिछली सरकार में सभी सांसदों को एक गांव गोद लेने का संकल्प लिया था। सांसदों ने गांव को गोद ले लिया और गोद लिए गांव में सरकार ने विकास करने के लिए धन भी खूब दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के द्वारा दिया गया पैसा आखिर कहां गया। कार्यों में तो पूरे गांव को हर सुविधा से लेस दिखा दिया, लेकिन जब टीम ने ग्राउंड पर जाकर ग्रामीणों से जानकारी हासिल की तो आज भी गांव विकास के लिए आंसू बहा रहा है। जबकि भूपतपुर गांव के प्रधान के साथ साथ उनके भाई जिला पंचायत सदस्य भी हैं, लेकिन फिर भी गांव विकास के लिए आंसू बहा रहा है। आखिर सरकार के द्वारा दिया गया पैसा कहां पर बंदरबांट कर दिया गया। बीजेपी की पिछली सरकार में गांव को गोद लिया गया था और आज दूसरी बार देश में भी बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं और सांसद भी बुलंदशहर के डॉक्टर भोला सिंह ही हैं जिन्होंने भूपतपुर गांव को गोद लिया था। जनता ने प्रधानमंत्री के नाम पर वोट तो दे दिया, लेकिन सांसद भोला सिंह अपना जनता से किया हुआ विकास का वादा पूरी तरह भूल गए और विकास के पैसे को कहां खर्च कर दिया यह कोई नहीं जानता है। जब गरीब जनता के लोग शिकायत करने जाते हैं तो ग्राम प्रधान अपनी दबंगई के कारण उनको झूठा आश्वासन दिया जाता है। और बात करें गांव में लाखों रुपए की लागत से पानी की टंकी तो बना दी गई, लेकिन टंकी पूरी तरह से शोपीस बनी हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है करीब 4 महीने से टंकी में पानी नहीं आया है। गांव में शौचालय भी पूरे नहीं बने हुए हैं, रास्ते भी पूरी तरह से खराब पड़े हुए हैं। हम लोगों ने काफी बार शिकायत भी की है, लेकिन गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सरकार के नुमाइंदे ही सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और विकास कार्य के लिए जो पैसा आ रहा है उससे अपनी जेब भर रहे हैं। जहां एक तरफ तो बीजेपी सरकार देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प कर रही है तो वहीं उसके ही सांसद विकास के पैसे को प्रधान और सेक्रेटरी के साथ मिलकर बंदरबांट कर रहे हैं। आखिर गोद लिए गए गांव में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। जनता लगातार यह सवाल पूछ रही है कि आखिर गांव के विकास का पैसा कहां गया। जनपद बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह को भूपतपुर गांव को गोद लिए हुए करीब 4 से 5 वर्ष के करीब बीत चुके हैं, लेकिन गांव में कोई विकास कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है। कहाँ के रहने वाले हो? नगला भोपतपुर के। ये आपका गांव डॉक्टर भोला सांसद हैं जो हमारे, उन्होंने गोद ले रखा है। तो इसमें किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? अब तक यह योजना में जीते भाई, इस योजना में जीते भाई, वो कोई विकास ना भयो। तो आपको किस तरह की परेशानियां करनी पड़ रही हैं? देख लो तुम रास्ता, देख लो वहाँ यहाँ तक तो सभी रास्ता खराब पड़ी है। अब हमारी ये रास्ता सबरी खराब है। शौचालय वगैरह? शौचालय ना बने, प्रधान मेरी लैट्रिन खराब पड़ी है। अच्छा, आपके गांव में जिला पंचायत भी आपके गांव के हैं और प्रधान भगवती हैं दोनों प्रधान, तो उनको उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिलता है आपको? 12,000 दो अपने खाते में पैसा लगा ले हमारे नाम से। शौचालय के? हाँ। किसने निकाले? शौचालय बनाओ, हमने लैट्रिन में मट्टी डाल दी। पैसे किसने निकाले? उन्होंने आपके खाते से। कल्याण में? कल्याण कौन है? प्रधान जी, जिला पंचायत भगवती प्रधान जी है। दोनों भाई भाई है ना? दोनों भाई भाई है। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? ये जो आपका गांव है, डॉक्टर सांसद जो भोला है उन्होंने गोद ले रखा है, तो इसमें विकास कार्य हुए या नहीं? कुछ नहीं हुआ। किस तरह की आपके सामने समस्या आ रही है? बहुत कठिन आ रही है साहब। क्या समस्या है? चलने की रास्ता बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है हमें विकास। शौचालय वगैरह? शौचालय वगैरह हमारे आदमी था, एक आदमी बन गया, अपने अपने आदमी प्रधान ने बनवा दिया। तो आपके बताते हैं कि गांव के जो प्रधान है वही जिला पंचायत सदस्य? हाँ जी, दोनों भैया हैं, दोनों कल्याण है। तो विकास कार्य नहीं हुआ कोई भी? कुछ नहीं हुआ हमारे। क्या नाम है माँ जी आपका? कहाँ के रहने वाले हो? ये भोपतपुर गाँव जो हमारे सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह, उन्होंने गोद ले रखा है, तो इसमें विकास कार्य हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। तो रास्ता, शौचालय वगैरह सब कैसे पड़े? बंद करे, तीरा को लगवा दे और पैसा निकाल ले पूरे। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हो आप?
ये बहुतपुर गांव आपके सांसद भोला सिंह ने गोद ले रखा है, तो इसमें विकास कार्य हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। शौचालय? शौचालय नहीं है। रास्ते कई बार के या तो वीडियो बना ले गए और तभी ना पड़ी। कागजों में ये सड़क बनी दिखा दी है, वैसे धरातल पे अभी बनी नहीं है। पैसा लगा रहा हो या को? तो पैसा लगा रहा हो? जमानी गई थी सड़क की कोई उम्मीद ना आगे कोई दबाने है। क्या नाम है अम्मा आपका? अनीता। कहाँ के रहने वाली हो? भूपतपुर के। यहाँ ये गांव सांसद भोला सिंह ने गोद ले रखा है और इसमें एक टंकी लगी हुई है। हाँ। और घर घर पानी आने की बात कही जा रही है। तो हाँ। क्या पानी आ रहा है आपके घर? चार महीना है जब से टंकी बंद पड़ी है। छह महीना आता है, आठ दिन आते हैं, छह महीना बंद करके रखे। तो ये तो प्रधानमंत्री द्वारा आपके गाँव को पहले से ही सांसद द्वारा गोद लिया गया, तो इसमें आप फिर भी कार्य सभी सुविधाओं के लिए रो रहे हो? कुछ भी ना मिली है, कुछ भी ना मिली। टंकी लगी है, टंकी को पानी ना आ रहा। खरंजा की योजना भाई, खरंजा ना पड़ो, कीचड़ छाड़िए भरी हुई देख लो तुम। सफाई कर्मचारी एक आवे ना गांव में, कोई भी ना आ रहा। एक करके बोलो ना नंबर से।